हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिंदु की वेज किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं चीकू शेक। ये पीने में बहुत ही अच्छा लगता है और ये फायदेमंद भी बहुत है, क्योंकि चीकू हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है और चीकू हमारी आंखों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और इसे आज हम बिल्कुल न्यूट्रिशियस तरीके से बनाएंगे, तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ये हमने 1 कप दूध लिया है, 5 चीकू लिए हमने, ये हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं काजू बादाम और पिस्ता, जिसे हमने बारीक बारीक काट लिया है, और ये हमने 1 चम्मच हनी लिया है। हम इसमें शुगर का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि चीकू अपने आप से ही बहुत मीठे होते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा इसमें फ्लेवर देने के लिए हनी का यूज करेंगे। तो चलिए हम हमारे चीकू को काट लेते हैं। देखिए, इसे हम अच्छे से पील कर लेंगे। अब हम इसे सेंटर से काट लेंगे, इस तरह से, फिर से सेंटर से, और इसका बीज बाहर निकाल देंगे। इसी तरह से इसे भी काटेंगे और इसका बीज बाहर निकाल देंगे। इसी तरह से हम हमारे बाकी के चीकू भी काट लेंगे। ये देखिए, हमारे सारे चीकू कट गए हैं। अब हम एक जार लेंगे, इसके अंदर हम हमारे चीकू ऐड करेंगे। हनी, ये हमने 1 टेबलस्पून हनी ऐड किया है, 3-4 आइस क्यूब्स, 1 बार हम थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे। और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए, ये कितना अच्छा ब्लेंड हो गया है। अब इसके अंदर हम हमारा बाकी का दूध डालेंगे। आप चाहें तो इसमें आइसक्रीम भी ऐड कर सकते हैं, वनीला आइसक्रीम इसके अंदर डाल के बहुत अच्छी लगती है। चलिए अब हम इसे दोबारा से ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए, हमारा चीकू शेक कितना अच्छा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे एक ग्लास में पोर करेंगे। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कितनी अच्छी लग रही है। इसी तरह से एक और ग्लास में हम निकाल देंगे। अब हम इसे गार्निश करेंगे। गार्निश करने के लिए हमने जो हमारे ड्राई फ्रूट्स काट कर रखे हुए थे, उसे ऊपर से इस तरह से डाल देंगे। देखिए, इसी तरह से। अगर आप चाहें तो इस पे आइसक्रीम भी ऊपर से डाल सकते हैं गार्निश करने के लिए। ये देखिए, हमारा चीकू शेक बनकर तैयार है और ये कितना अच्छा लग रहा है। तो चलिए आप भी बनाइए, पीजिए और सबको पिलाइए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।